नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रमोद पाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक कॉलम में पूरा कंक्रीट कितना लगता है वो निकाल सकते हैं, और कितना उस कॉलम में सीमेंट कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, ये भी सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 10 फीट का कॉलम है, जिसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये 12 इंच इधर से है और 9 इंच इधर से है, उसका हाइट है जो 10 फीट है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए पहले लिख देते हैं RCC कॉलम साइज। ठीक है दोस्तों, ये है 9 इंच बाई 12 इंच। ठीक है दोस्तों, इसका जो हाइट है ये दोस्तों है 10 फीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कंक्रीट का वॉल्यूम कितना होगा। तो दोस्तों, हमको जैसे पता है वॉल्यूम निकालने का फार्मूला, तुमको पता ही होता है कंक्रीट वॉल्यूम का फार्मूला होता है यार L×B×H। यानी दोस्तों, ये जो है 12 इंच, ये 9 इंच और ये 10 फीट को अगर जो आपस में हमें एक ही यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको जैसे कि पता है दोस्तों यहाँ पे एक फीट में 12 इंच होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें पता है। तो दोस्तों, हम निकाल लेते हैं, पहले लेंथ को फीट में करते हैं, विड्थ को फीट में करते हैं और हाइट को फीट में करते हैं, सारा कुछ एक में करेंगे, उसके बाद कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे। तो दोस्तों, एल निकालते हैं, एल तो इसका मान लीजिए अगर हमारा ये लेंथ विड्थ, तो लेंथ हमारा 9 इंच है, इसको हम क्या करेंगे 9 इंच डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 0.75 फीट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह विड्थ निकालेंगे, तो 12 इंच का हमारा विड्थ है, ये देखिए हमारा जो 12 है इसको क्या करेंगे हम 12 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो वो हमारा 1 फीट आ गया। ठीक है दोस्तों, हाइट हमारा ऑलरेडी पहले से ही फीट में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब निकालते हैं कंक्रीट का वॉल्यूम। तो ठीक है, तो कंक्रीट वॉल्यूम इसको निकालने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 0.75 × 1 × 10, तो ये हमारा दोस्तों आ गया टोटल। अगर जो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 क्यूबिक फीट, इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें ये कंक्रीट का हम कास्टिंग करेंगे तो ये कितना ग्रेड का कास्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये M20 ग्रेड है। अगर हम M20 ग्रेड लेते हैं तो दोस्तों, ये M20 ग्रेड का रेशियो कितना होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का। तो दोस्तों, वो होता है 1:1.5:3। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा क्या है सीमेंट, जो 1 है, और ये हमारा सैंड, और ये दोस्तों हमारा एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमको पता चल गया कौन कितना है, तो 1 सीमेंट 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोटल कितना होता है। अगर टोटल आपस में हम जोड़ेंगे 1, 1.5 और 3 को, तो टोटल तो वो हो जाएगा 5.5। ठीक है दोस्तों, ये 5.5 होगा। ये क्यों जुड़े हैं इसको हम बताते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ये आता है, ये क्यूबिक फिट है, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम है, और ये जो हमारा आता है वेट वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो बात करते हैं
दोस्तों कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम निकाला जाता है, जब क्वेश्चन करते समय ड्राई वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। तो हमारा ये हमको कंक्रीट का वेट वॉल्यूम पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7.5 × 1.54 से अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.55 क्यूबिक फीट आता है, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें सीमेंट लगेगा कितना, तो ये तो हमको पूरा पता चल गया कि कंक्रीट हमारा 11.55 क्यूबिक फीट लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें सीमेंट हमारा कितना लगेगा, तो सीमेंट के लिए हम बात करेंगे। सीमेंट तो दोस्तों हमारा क्या पता है, सीमेंट का वन पता है, ठीक है। तो वन पार्ट हमारा है, तो वन डिवाइडेड बाई 5.5, अगर इसको हम करेंगे तो ये हमारा आएगा दोस्तों, ये तो हमारा आ गया एक पार्ट का इतने से मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इतने में से, ये एक में से इतना पार्ट है हमारा, देखिए 5.5 पार्ट में से हमारा एक पार्ट है सीमेंट, और हमारा टोटल कितना है कंक्रीट जो हमारा है, तो ये हमारा है 11.55, ठीक है दोस्तों। अब हम ये करेंगे तो हमको पता चल जाएगा इस टोटल में कितना हमारा सीमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम अगर जो कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आता है 2.1 क्यूबिक फीट दोस्तों, ये तो हमारा क्यूबिक फीट में आ गया। दोस्तों अगर जो हम बात करें नंबर ऑफ बैग की, इसमें कितना नंबर ऑफ बैग लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा क्यूबिक फीट में है। अब तो हमको जो सीमेंट मार्केट में मिलता है वो बोरे के हिसाब से मिलता है, तो दोस्तों हम बात करते हैं एक बैग में, दोस्तों एक हमारा बैग है वन बैग में सीमेंट में दोस्तों हमारा 50 kg होता है, लेकिन दोस्तों 50 kg में कितना क्यूबिक फीट होता है, यानी एक बैग में कितना क्यूबिक फीट होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा एक बैग में 1.23 क्यूबिक फीट इतना होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ पे 2.1 / 1.23 से डिवाइड करते हैं अगर, तो ये हमारा आता है 1.70, ठीक है दोस्तों, 1.70 ये आता है क्यूबिक फीट, सॉरी बैग आता है, ये बैग आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 1.7 बैग, यानी कि ये दोस्तों हो गया 1.7 बैग, मतलब दोस्तों केजी में अगर जो हम बात करें तो इसको हम 50 से अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों लमसम 85 kg हमारा सीमेंट लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह सैंड का भी निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, सैंड का उसी तरह निकालेंगे, 1.5 हमारा पार्ट है, देखिए यहाँ पे 1.5 पार्ट है, डिवाइडेड बाई 5.5 × टोटल 11.55, ये जो हमारा कैलकुलेशन पूरा अगर हम करते हैं तो ये हमारा आता है 3.15 क्यूबिक फीट, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों एग्रीगेट का इसी तरह निकालेंगे, तो ये हमारा 3 पार्ट होता है और 5.5, ठीक है दोस्तों, इंटू 11.55, ये हमारा दोस्तों आ जाता है 6.29 क्यूबिक फीट। ये तो सारा कैलकुलेशन दोस्तों हमारा अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से निकाला गया है हर एक चीज़ का प्रॉपर। और दोस्तों अगर जो आपको ये चीज़ें अच्छे से कैलकुलेट करने एक कॉलम का आ गया, मान लीजिए कोई घर है आपका, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कोई एक घर है जिसका प्लॉट एरिया है, ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे कॉलम इस घर में लगेंगे, मान लीजिए 20 फीट ये इधर से है और यह इधर से 15 फीट है, छोटा सा हाउस प्लान दोस्तों इधर से, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, यहाँ 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 सारे जगह पे कॉलम लगेगा। तो दोस्तों ये सारे कॉलम, मान लीजिए यहाँ एक कॉलम प्लेस है,
यहाँ कॉलम प्लेस है, यहाँ कॉलम प्लेस है, यहाँ 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 दोस्तों यहाँ और एक यहाँ एक बीच में ये कॉलम है। तो दोस्तों हमको एक कॉलम का पता चल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से, पूरे घर में कितना कॉलम है, कितना आपका सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, हर एक चीज़ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे कि अगर जो न्यू वीडियो हम लेकर आते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।